नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जून की शुरुआत होते ही आपको पता चलेगा कि जो मंगल देवता हैं वह राहु से अलग हो गए हैं, यानी कि राहु देवता को छोड़ करके मंगल देव आके अपनी यात्रा को चल दिए हैं, यानी कि अब वह अपनी मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो यह एक खुशखबरी भी है क्योंकि मंगल का जो अंगार है वह कुछ कम हुआ, तो ऐसे में बहुत सारी राशियों के जो मंगल की जो प्रभाव हैं वह हमें अब क्लियरली देखने को मिलेंगे। इधर बीच में आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारा रोष, बहुत सारा गुस्सा, बहुत जगह पर आगजनी और बहुत जगह पर प्राकृतिक आपदा के रूप में अग्निकांड भी हुए होंगे और भूस्खलन भी, जिसकी सूचना आपको समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य जो समाचार के तरीके हैं उनसे मिलती रहती है। तो मंगल क्या है, अभी तक मीन राशि में बैठ करके उन्होंने पिछले 45 दिन काफ़ी उन्होंने उठा पटक करी, बड़ी गर्मजोशी की, बहुत सारा गुस्सा भी आया, बहुत सारी नाराजगी हुई और क्रोध, और बस क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं खून खौल उठना होता है, वह सब कुछ यहाँ पर हुआ। यानी कि सारा प्रभाव मीन राशि में हो रहा। मीन राशि तो सागर की राशि है, जल तत्व की राशि है, कि अब छोड़ दिया तो अंगार से क्या रहना। यानी कि इस समय में बहुत सारा सुलगना भी होता है, जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता और उसके अंदर अंदर से वह सुलगता हुआ से महसूस करता है। तो इस बीच में पीछे 45 दिन में कुछ इसी तरीके के काम हो रहे थे। अब अगर बात करें तो इस समय क्या है कि 1 जून से जो मंगल देवता है, यानी कि जो अंगारक है, जो कुछ हैं, जो सेनापति हैं, जो कहा जाए कि यह जो सेनापति हैं यह स्वराशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी राशियों को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि अपनी राशि में अब अपने बारे में यह मंगल देव सोचेंगे कि बहुत हो गया, बहुत कुछ सोच लिया, अब अपने बारे में अपने विषय में सोचा जाए। तो मंगल इस प्रकार से काम करने वाले हैं। तो जो ग्रहों के सेनापति हैं वह पराक्रमी ग्रह कहे जाते हैं। मंगल एक निश्चित अवधि यानी कि 45 दिन एक राशि में रहते हैं। अब 45 दिन जब ये एक राशि में रहते हैं तो इस बीच में ये 3 नक्षत्रों को कवर करते हैं। पहला इनका अश्विनी है जो केतु नक्षत्र है, इसके बाद ये भरणी लेते हैं जो शुक्र का नक्षत्र है, और तीसरा एक पद लेते हैं जो कि कृतिका नक्षत्र का काम करते हैं, यानी कि कृतिका नक्षत्र में जो मंगल है वहाँ पर यह विशेष रूप से कार्य करते हैं। तो इस बार क्या है कि 1 जून 2024 को दोपहर में 3:27 पर यह मीन राशि यानी कि जल तत्व की राशि को छोड़ करके अग्नि तत्व यानी कि नई शुरुआत करने के लिए मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह जो समय, इस समय जो उतावलापन हो रहा था, जो झुलसना हो रहा था, जो अग्नि रूपी दाह शरीर के अंदर व्यक्ति थी, वह अब यहाँ पर कि चलो सब छोड़ो और आगे बढ़ो, अपने लिए काम करो। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ जो पीछे महसूस हुआ था वह था और वह अब अपने लिए काम होगा। तो मंगल जो है यह ग्रहों के सेनापति कहलाते हैं। भूमि पुत्र ने कहा जाता है यह साहस दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, शौर्य दिखाते हैं, आत्मविश्वास को दिखाते हैं, और ऐसे जो राशि परिवर्तन करते हैं यह जब पुनः मेष राशि में आते हैं तो 1.5 वर्ष के बाद आते हैं। यानी कि 1.5 वर्ष पहले भी मंगल इसी राशि में थे, यानी कि मेष राशि में थे। अब आगे जब ये दोबारा इस राशि में आएंगे तो 1.5 साल के बाद ही आने वाले हैं। तो इस बीच में ये जब मंगल अपनी स्वराशि में आए तो अपने लिए यहाँ पर काम करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो विशेष बात है, यहाँ पर अगर मेष राशि को देखा जाए तो मेष राशि वाले जो जातक हैं यहाँ पर मंगल देव उनके लगन के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं और विराजित हो रहे हैं अपनी लगन में ही। तो यहाँ पर ये विशेष करके अपने लिए काम करने वाले हैं, क्योंकि लगन क्या है, लगन तो आपकी अपनी फिजिकल बॉडी है। आप जिन लोगों की मेष लगन हो, मेष राशि हो, तो इस मंगल का जो विशेष प्रभाव है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि इस मंगल के जो प्रभाव हैं वह उन्हें ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिनकी किसी न किसी रूप में मंगल की दशा चल रही हो, यानी कि मंगल की या तो महादशा चल रही हो, मंगल की या तो प्रत्यंतर दशा चलती हो या मंगल की अंतर दशा चलती हो। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि महादशा हो,
अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, तो जब यह चलती है, मैं मुख्यतः इन तीन दशाओं को ही लेती हूँ, क्योंकि जब यह फल सही ढंग से निकल के आता है। अगर मंगल का यहाँ पर आपकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको यहाँ पर मिलती है, तो इस मंगल के आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उस भाव से, जिस भाव में आपकी यह मंगल की राशि हो, उस भाव में कुछ ना कुछ एक्टिवेशन हो जाएगी, यानी कि उस भाव के फल आपको मिलने वाले हो जाएंगे। अगर मेष राशि की बात करें तो ये देखिए राशि चक्र की पहली राशि है। अब पहली राशि यानी कि नई शुरुआत, नया तरीका, नया ढंग, नया सब कुछ। तो इस राशि में जो मंगल देव हैं वह पहले स्थान के स्वामी हैं और आठवें भाव के स्वामी हैं। इनकी दृष्टि क्या पड़ रही है, मंगल पहली लगन की राशि में बैठ करके चौथे भाव माता के स्थान को देखते हैं, सातवें भाव स्पाउस को देखते हैं और आठवें ससुराल पक्ष को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो मंगल एक राशि में बैठा और तीन दृष्टियों के माध्यम से इसने चार भावों को प्रभावित किया, और एक पांचवा हिस्सा आता है जहाँ पर मंगल उच्च अवस्था की आते हैं, यानी कि मकर राशि पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी कि मुख्य रूप से इसका जो मंगल का हमें विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा वह मेष राशि पे मिलेगा, तुला राशि पे देखने को मिलेगा, कर्क राशि पे देखने को मिलेगा और आंशिक रूप से वृश्चिक राशि और मकर राशि, यानी कि कुल मिलाकर के पांच राशियों पर विशेष प्रभाव होने वाला है। और देखिए इस जो मेष राशि है, कैरियर के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जातकों के लिए यह काफ़ी कुछ अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि चौथे भाव से जब यह देखेगा तो ये आपके कैरियर के भाव को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरक्की हो सकती है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको व्यापार से खूब लाभ हो सकता है और आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो आय के नए स्रोत भी यहाँ खुलते हुए दिखाई देते हैं और स्वास्थ्य भी यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो मंगल है वह बारहवें भाव से जाता है और प्रभावित करता है तीसरा भाव, छठा भाव और सातवां भाव। तो यहाँ पर मंगल क्या प्रेजेंट करता है, मंगल थोड़ा क्रोध प्रेजेंट करता है, मंगल एक डिसिप्लिन को प्रेजेंट करता है, इनके प्रखंड उस चीज़ के लिए प्रयास करता है। तो कम्युनिकेशन पर यहाँ पर वह जो अपना प्रभाव है वह क्या है, क्योंकि कर्क राशि है और साथ में यह चौथी दृष्टि है, तो उतना क्रोध भरा यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वह वैसा नहीं आएगा। और यहाँ पर मंगल के अगर छठे भाव की बात की जाए, छठे भाव में तुला राशि बनती है जाकर के वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो यहाँ पर आपके जो भी दुश्मन हैं उन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप बिल्कुल विजयी होकर के निकलेंगे। मंगल आठवें भाव में स्वराशि के होकर के हैं, तो स्वराशि में होने वाले जो मंगल के दो दुष्प्रभाव यानी कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि अचानक से ऐसे परिणाम को दे देना, तो उसमें क्योंकि अपनी राशि का है तो यहाँ पर उस काम का यह लाभ रखते हुए कि इसको पर्टिकुलरली ऐसा नुकसान ना होने पाए, ऐसी बात सोच करके मंगल उतनी हानि नहीं कर पाएंगे। बात की जाए मिथुन राशि की, तो देखिए मिथुन राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो मंगल है वह ग्यारहवें भाव से गोचर करेंगे, सीधे पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि जो इच्छा करेंगे उस पर लाभ मिलेगा, खूब मेहनत कीजिए और लाभ कमाइए। दूसरा, वाणी में आप अपना थोड़ा सा नियम और संयम रखिए, यानी कि ऐसी क्रोध भरी भाषा मत बोलिए जिससे कि आपके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं। बात की जाए यहाँ भी अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जो जातक है उनके जो षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव में मंगल की जो उपस्थिति है वह यह बताती है कि आपके दुश्मन आपसे दूर रहने वाले हैं, यानी कि दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। कर्क राशि की बात की जाए तो देखिए कर्क राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो मंगल है ना बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, तीन केंद्र भाव को एक्टिवेशन दे रहा है, एक लगन को भी दे रहा है, आपके कैरियर को भी दे रहा है, आपके घर परिवार को भी दे रहा है, संतान के संबंध में भी यह एक्टिवेशन देता है। तो मंगल क्या है, मंगल एक वेग है, मंगल एक ऊर्जा है जो क्या है बहुत बलपूर्वक काम करती है, बहुत अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है और उस काम को पूर्ण करने के लिए अपनी सारी ताकत को झोंक देती है। तो यहाँ पर जो मंगल का एक्टिवेशन है वह बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर माता के सुख संबंध को लेकर के लाभ है, यहाँ पर देखा जाए तो करियर में बहुत अच्छा लाभ है, आपके स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा रहने वाली है, संतान पक्ष को लेकर या शिक्षा को लेकर के यहाँ पर जो
आप विकास करना चाहते हैं वह बहुत ही उत्तम है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो कर्क राशि वाले जो जातक है या कर्क लगन वाले जो भी जातक है उनके लिए ये जो मंगल का गोचर है वह बहुत 100% बहुत कुछ बहुत अच्छा देने वाला है, अगर आपकी महादशा और अंतरदशा आपका साथ देती है। तो बात की जाए सिंह राशि की, तो देखिए सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए ये जो मंगल है यानी कि मंगल की जो ऊर्जा है एक जो नई शुरुआत है वह आपके नवम भाव से जाती है। नवम भाव से आपका जो एक्टिवेशन है वह आपके तीसरे भाव को सातवीं दृष्टि से देखता है, यानी कि यहाँ पर भाई बहनों के बीच में यहाँ पर आप थोड़ा सा ना चाहते हुए भी यहाँ पर संबंध की बात हो सकती है। एक तो शुक्र की राशि है, दूसरे क्या है मंगल आपके चौथे राशि को देख रहे हैं यानी कि कर्क राशि को देख रहे हैं जो कि बारहवें भाव, तो बारहवें भाव में जो मंगल होते हैं मंगल क्या है मंगल दूर के हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दूरी बनाने का काम करते हैं। और सौ राशि के मंगल आपके चौथे भाव में है तो कुछ जमीन संबंधी यहाँ पर लाभ सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से जो मंगल का एक्टिवेशन है कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र और त्रिकोण में यानी कि मेष राशि मेष नवम भाव और चौथा भाव यानी कि माँ का भाव और आपके भाग्य का भाव जो है वह एक्टिवेशन यहाँ पर ले रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ जमीन को लेकर के काफी लाभ की स्थितियाँ सुदृढ़ हो सकती है। कन्या राशि की अगर बात की जाए तो ये मंगल का गोचर है उनके लिए बहुत कुछ लाने वाला है, यानी कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि एक बड़ा बदलाव यहाँ पर दिख रहा है और उस बदलाव में ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि स्व राशि के मंगल हैं तो देखिए यहाँ पर हानि नहीं है क्योंकि मंगल स्वयं अपनी राशि का नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं भूमि को लेकर के या ससुराल से संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर के, यानी कि जीवन साथी का जो आपका घर है वहाँ पर कुछ हॉटनेस हो सकती है लेकिन वह जो हॉटनेस है वह अच्छाई के लिए है। मंगल आपके द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं तो आपका भी वाणी पर नियंत्रण शायद उतना नहीं है। और तीसरे भाव में जो मंगल की उपस्थिति है तो वृश्चिक राशि यानी कि अंदर अंदर से आप ऊपर से कुछ भी हो पर अंदर से जो व्यवहार है वह मंगल का ही यानी कि तेज पूर्ण और ऊर्जा के साथ का है। मंगल एकादश भाव में हालांकि नीच अवस्था है लेकिन ये मंगल कहीं ना कहीं आपको लाभ को ही देने वाले हैं। तो कन्या राशि की ऐसे तुला राशि की अगर बात की जाए तो तुला राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो एक्टिवेशन है मंगल का वह तीन केंद्रों को लेता है, एक जीवन साथी को लेता है, एक आपके पद प्रतिष्ठा को देखता है, एक आप स्वयं होता है और दूसरा आपका जो द्वितीय भाव है यानी कि जो अर्थ त्रिकोण का पहला भाव है वहाँ भी मंगल की ऊर्जा यहाँ पर महसूस होती है। तो आपके चार केंद्र में से तीन एक्टिवेशन में यहाँ पर हैं और साथ में आपका द्वितीय भाव है तो यानी कि धन के भाव में यहाँ वृद्धि होती दिखती है, यानी कि आप धन के लिए जो आप मेहनत करते हैं या जिसके लिए आप विचार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो वह यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। मंगल की ऊर्जा कार्य क्षेत्र में विशेष प्रकार की पदोन्नति को दिखाती है, यानी कि आपका जो कर्म है वह यहाँ पर सफल होता हुआ दिखता है क्योंकि यह दशम भाव है। दशम भाव में जो मंगल है यह बहुत सुंदर फल देने वाले बनते हैं तो राजा की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर काम करते हैं तो बहुत कुछ सफलता मिलती है। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो ये जो वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो मंगल का गोचर है उनके षष्ठ भाव से होकर के जाता है। षष्ठ भाव है यानी कि मंगल यहाँ पर बिल्कुल आपके दुश्मनों का कुछ आपके जो भी दुश्मन है वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं रोग है ऋण है किसी प्रकार का और शत्रु उनसे आप यहाँ छुटकारा पा जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका नवम भाव जो धर्म का भी स्थान है वह भी एक्टिवेशन लेता है, यानी कि आप कुछ धर्म के लिए कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं और यह जो यात्राएं वो थोड़ी थोड़ी स्पीड वाली हैं क्योंकि मंगल है ये थोड़ा सा तेजी से चलते हैं और मंगल आपकी लगन पर है तो आप विशेष प्रकार से अपने आप के अंदर एक बल महसूस करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेटिव की मुझे ऐसा कर लेना है ऐसा कर लेना चाहिए इस प्रकार का यहाँ पर भाव रहने। तो वृश्चिक राशि में जो मंगल है अब यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि के माध्यम से बारहवें भाव पर जो दृष्टि पड़ती है यहाँ पर जो मंगल है आपके कुछ
खर्च भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर खर्चा विशेष पर थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो अगर देखा जाए तो एक आपका केंद्र भाव एक्टिवेशन है, दूसरा नवम भाव का पे भी यहाँ पर एक्टिवेशन दिखता है, यानी कि धर्म के आधार पर भी आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटीज यहाँ पर आ सकती हैं, जिसमें आप धर्म के लिए कुछ काम करने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ तीर्थ यात्राएँ करें, हो सकता है आप कहीं पर थोड़ा दान पुण्य भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर रहने वाला है। बात की जाए धनु राशि को लेकर के, देखिए जो धनु राशि वाले जातक है उनके लिए जो मंगल का गोचर है उनके पांचवें भाव से होकर के जाता है, यानी कि संतान के संबंध को लेकर के, शिक्षा के संबंध को लेकर के यहाँ पर कुछ विशेष प्रभाव रहने वाले हैं। अब मंगल स्व राशि के हैं और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव में यहाँ पर चोट एक्सीडेंट्स का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आप गाड़ी चलाते हैं या आप सड़क पर चलते हैं या ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं या जल में जाते हैं तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके साथ कहीं कोई दुर्घटना ना हो। इसके साथ साथ जो मंगल है वह आपके एकादश भाव को भी दिखाते हैं। एकादश भाव में बैठने से आपके लाभ की स्थितियाँ बनती हैं, यानी कि यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि के माध्यम से, यानी कि जो भी आप शिक्षा को के संबंध में जो काम कर रहे हैं या संतान के संबंध से जो काम है उसमें लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक प्रबल दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मंगल जो है वह विदेशी यात्रा को भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिवेशन इस प्रकार का भी है कि आपको हो सकता है कुछ विदेश यात्राएं इस बीच में 45 दिन के अंदर में करनी पड़े। बात की जाए मकर राशि को लेकर के, तो देखिए मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो मंगल का गोचर है उनके चौथे भाव से जाता है। तो यहाँ पर आपको माता का विशेष ध्यान रखना होगा कि या जो सुख है उसमें थोड़ी सी ऊर्जा हो सकती है। मंगल का काम क्या है, एक थोड़ा सा क्रोध भी है, मंगल अंगार भी है, मंगल एक डिसिप्लिन है, मंगल जो राजा कहते हैं उसके हिसाब से काम करने वाले, तो इस प्रकार मंगल की ऊर्जा होती है, यानी कि माता के स्वभाव में कुछ यहाँ तेजी हो सकती है। चौथे राशि में यानी कि सप्तम भाव में जो इनकी मंगल की जो चौथी दृष्टि वह जीवन साथी या पार्टनरशिप को लेकर के यहाँ पर कुछ दुविधा दिखाती है। मंगल यहाँ पर जो है वह कुछ जिसमें लड़ाई झगड़े भी संभव हैं, इस तरीके की बातें हो सकती है। और मंगल आपके दसम केंद्र को भी यहाँ पर एक्टिवेशन दे रहे हैं। तो ये दसम केंद्र में एक्टिवेशन होने के साथ यहाँ पर क्या है, आपकी जो प्रतिष्ठा है वह एक बहुत ही स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे एक कुलदीपक की तरह यहाँ निकल गया है ये। और मंगल आपके एकादश भाव पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। और अगर हम देखें कि अगर सातवें दृष्टि से अगर देखें तो इसकी एक कुछ आंशिक दृष्टि आपकी लगन पर भी पड़ती है, यानी कि आपके अंदर कुछ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर काम करती है। और इस समय पर आपके चारों केंद्र और लाभ का जो भाव है वह सब एक्टिवेशन है। तो यहाँ पर मंगल की ऊर्जा का लाभ उठाइए, यानी कि मंगल के लिए यानी कि बल विवेक के साथ यहाँ पर काम करते हुए आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पर सब तरीके से लाभ मिलने वाला है। तो ये मंगल बहुत ही सुंदर स्थिति को दे रहा है, आपके चारों केंद्र में एक्टिवेशन है, यानी कि एक साथ 4-10 राशि जो है ये एक्टिवेशन है, साथ में वृश्चिक राशि भी यहाँ पर एक्टिवेशन है। दो तो स्व राशि की है, तुला राशि में यानी कि प्रतिष्ठा के लिए लाभकारी यहाँ पर भाव रहने वाला। बात की जाए कुंभ राशि को लेकर के, तो देखिए कुंभ राशि वाले जो भी जातक है उनके लिए यह मंगल का गोचर उनके तीसरे भाव से जाता है, यानी कि भाई बहनों के संबंध में कुछ मन मुटाव सी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। आपके नवम भाव में भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यह शुक्र की राशि है, शुक्र और मंगल का जो यह योग होता है ये बहुत ही लाभकारी होता है, यानी कि आप लग्जरीज के मामले में भाग्यशाली कहे जाएंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन वगैरह की भी स्थिति यहाँ पर सुधर, अचानक से आपको प्रमोशन यहाँ मिल सकता है। दूसरे आपके छठे भाव में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है, यानी कि और यहाँ पर कर्क राशि भी है, तो दुश्मनों से डीलिंग करने में आप काफ़ी सॉफ्ट रहने वाले हैं। तो यह एकादश जो राशि यानी कि कुंभ राशि है उनके लिए यह मंगल का गोचर इन 45 डेज में कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। बात की जाए मीन राशि, तो देखिए जो मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर उनके द्वितीय भाव से जा रहा है, यानी कि मुंह में थोड़ा सा अंगार है, गुस्सा है, नाराजगी है, इसलिए वाणी में कुछ वीकनेस के साथ कुछ निकल जाता है। ससुराल पक्ष से भी थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन आपका भाग्य भाव एक्टिवेशन में है।
इस समय पर आपका जो भाग्य है वह बिल्कुल फुल रूप से एक्टिवेशन लेता है। साथ में आपका त्रिकोण भाव यानी कि पंचम त्रिकोण संतान को लेकर के भी यहाँ पर एक्टिवेशन है। शिक्षा के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह बिल्कुल बहुत ही अच्छा समय है। तो यहाँ पर आपको देखिए दो फैमिलीज और शिक्षा साथ में चल रही है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ बढ़ोतरी की भी संभावनाएं यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रही है अगर आपकी महादशा और अंतरदशा चल रही है। तो मित्रों ये थे कुछ भाव जो मंगल के गोचर को लेकर के आगे आने वाले 45 डेज या डेढ़ महीने के दौरान में हमें देखने को मिलेंगे। अगर आपकी महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा एक्टिवेट है तो ऐसा, और क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, होता क्या है कि जब ऐसा नहीं होने का कारण होता है उसके पीछे कारण ये है कि आपकी महादशा नहीं चल रही है, गोचर चल रहा है पर आपकी महादशा प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा वह कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट देना होगा, तब वह जो ग्रह है वह आपको फ्रूट देने वाला बनता है यानी कि तभी आपको उस ग्रह के फल मिल पाते हैं। तो जब मंगल का किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में, चाहे वह दो दिन के लिए ही मंगल का प्रत्यंतर या सूक्ष्म प्रत्यंतर मिल जाए तो वह एक्टिवेट हो जाता है, तो उस दशा के जो फल हैं। अब जैसे मंगल जिनके मेष राशि के हों, जिनके कुंडली में मेष राशि के हों और इस समय उनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा या और भी सूक्ष्म दशाएं वह एक्टिवेट हो जाती है, तो ऐसे में क्या उसका जो फल है वह सटीकता के साथ तुरंत का तुरंत मिल जाता है। तो मित्रों ये मेरा भाव था, मेरा वैसे व्यक्त करना चाहती थी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर इन्जॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।